हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक वी जीजी में। दोस्तों, आज मैंने डेल का एक नया लैपटॉप लिया है, डेल 5482 टू इन वन इंस्पिरॉन। दोस्तों, बहुत बढ़िया लैपटॉप है, टच स्क्रीन है। मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग आपको शो करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला कि आज मैं डेल का न्यू लैपटॉप लेकर आया हूं, डेल 5482 इंस्पिरॉन 2 इन 1। तो दोस्तों, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो यहां पर मैं इसे ओपन करने जा रहा हूं। एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूं, मेरा न्यू लैपटॉप है। तो कुछ कार्टून्स थे, कुछ थर्माकोल्स थे जिन्हें मैंने हटा दिया है। उसके बाद देखिए, लैपटॉप है दोस्तों, सेफ्टी के लिए पॉलीथिन के अंदर है। और देखिए ये दोस्तों लैपटॉप का लुक है आपके लिए, डेल का लैपटॉप। दोस्तों काफी मिलता जुलता लुक है एप्पल से, काफी बढ़िया और प्यारा लैपटॉप है, डिसेंट लैपटॉप है। लेकिन दोस्तों, इस लैपटॉप को मैंने लुक के लिए नहीं लिया है, इसकी परफॉर्मेंस के लिए मैंने इसे लिया है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये लुक है आपके लिए। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। लैपटॉप को मैं आपको बाद में शो करूंगा। दोस्तों ये इसका चार्जर है, ठीक है, नॉर्मल थिंग है ये। इसके अलावा चार्जर के लिए प्लग है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मैनुअल्स है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए ना। और क्या है देखते हैं इसमें। दोस्तों इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो है इंक पेन। दोस्तों इसका यूज करके आप डायरेक्टली लैपटॉप पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लैपटॉप पे अगर आप वर्ड वगैरह ओपन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे आप डिजिटल पैड में राइट करते हैं, वैसे आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि लैपटॉप जो है टच स्क्रीन है, ठीक है। तो चलिए अब लैपटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं लैपटॉप को यहां पर ओपन करता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस लैपटॉप की, कि ये फोल्डेबल है। देखिए आप, ये 360 डिग्री फोल्डेबल है। आप चाहें तो इसको एज अ पैड भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए, आपको अगर मूवी देखनी हो, आप अपनी जस्ट यहां पर रख के, ठीक है, आप नॉर्मली इसको एज अ पैड यूज करिए, आप मूवी देख सकते हैं। या अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं इंक पेन के थ्रू, ठीक है, आप कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं सपोज करिए, या कुछ आप रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लिखने का काम हो, तो आप नॉर्मली इसे आराम से अपनी गोदी में रखकर इस पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको मन करे मूवी देखने के लिए, तो आपको इस तरह से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, तो ये 360 डिग्री फोल्डेबल है। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक फीचर है इस लैपटॉप का। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि ये लैपटॉप जो है टच स्क्रीन है, ठीक है। और यहां पर कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें इस लैपटॉप में, तो इस लैपटॉप में अगर मैं यहां पर बात करूं कीपैड की, तो दोस्तों कीपैड काफी बढ़िया है, लेकिन अलग से न्यूमेरिकल कीपैड नहीं है यहां पर, ठीक है। कीज अगर मैं प्रेस कर रहा हूं, तो यहां पर कोई नॉइस क्रिएट नहीं हो रही है ज्यादा, तो इस मामले में कीपैड बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल कीपैड नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन इतनी नीड नहीं होती है उसकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें 8 GB रैम है DDR4। एंड इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण मैंने इस लैपटॉप को बाय किया है, वो है SSD, 512 GB SSD है इसमें। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा SSD और SSD में डिफरेंस। SSD जो होती है, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क अभी तक हम यूज करते आए हैं, ठीक है, और जो SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोस्तों इसमें जो इस तरह की हार्ड डिस्क होती है, वो आपके सिस्टम को काफी फास्ट बना देती है, आपका सिस्टम काफी फास्ट वर्क करता है। आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल पर, यूट्यूब पर। लेकिन SSD जो है, ये इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत है। तो 512 GB SSD, इसके अलावा जो इसमें 8 GB रैम है, वो एक्सटेंडेबल है अप टू 32 GB। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी और कॉन्फिग्रेशन के बारे में और इसकी स्पेशलिटीज के बारे में मैं यूज करने के बाद एक अलग से रिव्यू दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले मैं इसे थोड़ा यूज कर लूं। और इसके अलावा अब चलिए लैपटॉप को स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहां पर मैंने लैपटॉप को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना फास्ट ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर
यहाँ पर अगर आप देखेंगे लैपटॉप मेरा स्टार्ट हो चुका है, अभी तक मैंने इसमें कुछ इंस्टॉल वगैरह नहीं किया है, लेकिन हाँ दोस्तों इसमें विंडोज 10 है लाइफ टाइम के लिए और इसमें एमएस ऑफिस भी है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें मैकफी का एंटीवायरस मिला है 14 मंथ्स के लिए, और इसके अलावा जो टोटल सेफ्टी होता है वो तो है ही इसमें, लेकिन उसके अलावा मैकफी का जो एंटीवायरस है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर दो आपके USB 3.1 जनरेशन 1 है और एक आपका USB 3.1 टाइप सी है और एक आपका HDMI पोर्ट है। ठीक है, और इस तरफ अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपका एक USB पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पोर्ट्स यहां पर दिए हुए हैं और उसके अलावा हेडफोन के लिए भी एक हेडफोन जैक अवेलेबल है आपके लिए। तो ओवरऑल ये लैपटॉप का जो फील है, जो लुक है, वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डिसेंट है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक पेन सपोर्ट है, तो यहां पर मेंशन भी है वो चीज, एक्टिव पेन सपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं इसके टच पैड की, तो वो भी काफी बड़ा है, बहुत ही बड़ा टच पैड है यहां पर। ठीक है, और इसके अलावा इसकी स्क्रीन की बात करूं, बहुत स्मूथ है, ऑब्वियस सी बात है टच स्क्रीन है तो स्मूथ तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये टच स्क्रीन देखिए यहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं, आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली यहां पर काम कर रहा है इसका टच स्क्रीन। ठीक है, तो दोस्तों अभी अगर इसकी पेन की बात करें हम लोग, जो यहाँ पर मिली हुई है हमें एक्स्ट्रा, तो देखते हैं यहाँ पर पेन किस तरह की दिख रही है यहाँ पर और इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो पेन के लिए भी काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर मैनुअल्स हैं, इसे हम बाद में रीड कर लेंगे। तो ये जो पेन है दोस्तों, इस तरह की यहाँ पर पेन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं पॉलीथीन से अलग कर देता हूं यहां पर, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों डेल की पेन है एक। ठीक है, तो ये एक पेन है और इसमें दोस्तों यहां पर एक और चीज दी हुई है, वो है इस पेन के लिए बैटरी। तो ये है दोस्तों यहां पर इसकी बैटरी। तो दोस्तों ओवरऑल बहुत सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है, बहुत सारी काम की चीजें, स्पेशली जिनको डिजिटल पैड में काम करने की हैबिट होती है, जिनकी नीड होती है, उनके लिए लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें ये एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है और साथ ही साथ टच स्क्रीन है लैपटॉप में। इसके अलावा दोस्तों शॉप में मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री, इसके साथ बैग इंक्लूडेड तो नहीं था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री मुझे एक डेल का बैग भी मिला है। ठीक है, बट ये इंक्लूडेड नहीं था, ये जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये क्लीनिंग के लिए मुझे मिला हुआ है, ठीक है, लैपटॉप क्लीनिंग के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल इतनी चीज़ें मुझे मिली है लैपटॉप में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।